अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक्स और ये मेरे बेटे की फरमाइश पे हम बना रहे हैं और वैसे भी आजकल चिकन सस्ता भी है, इसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ ड्रमस्टिक्स लिए हैं। एक अंडा है ये मैंने फेंट लिया है, ये इस तरफ है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, ये है ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून, ये 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, ये सूखा हुआ अदरक है अदरक पाउडर, ये है लहसुन पाउडर, ये है नमक 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून है मेरे पास तिल। अब सबसे पहले हमने लिया है एक बॉल और इसमें हम एक फेंटा हुआ अपना अंडा डाल देंगे और अपने बाकी तमाम मसाला जात इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हम इसमें अपनी ड्रमस्टिक्स डालेंगे। ये देखें हमने ना इसके कट काफी गहरे किए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच जाए। इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्सअप करके आधे घंटे के लिए हम इसमें फ्रिज में रखेंगे और फिर इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसको अब कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ब्रेड क्रम्स भी लग चुके हैं और इसको कॉर्नफ्लोर भी लग चुका है। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया है, अच्छी तरह आप इसको मिक्स करके सिर्फ आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और इसको डीप फ्राई कर लेना है। हमने ड्रम स्टिक्स को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस गया है। अब आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल डाल लिया है, ये मैंने सरसों का तेल डाला है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का ऑयल ज़्यादा लाइट होता है और इसे ये बहुत सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए हम ज़्यादातर सरसों के ऑयल में ही चीज़ें फ्राई करते हैं। ये देखें हमारी ड्रम स्टिक्स एक साइड से वो ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हल्का तो नहीं, खैर अच्छी तरह ब्राउन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, लेकिन आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना। ये हमारे ड्रम स्टिक्स दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये देखें दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखें हमारे अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक भी चुके हैं। ये तकरीबन हमने इनको आधा घंटे तक पकाया ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें हमारे ड्रम स्टिक्स पक के बिल्कुल तैयार हैं और इसका हमने कंप्लीट पैकेज दिया है, साथ फ्राइज भी हैं और केचप भी है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। खुदा हाफिज़।